आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में कोरोना के प्रति बढ़ती जाने वाली लापरवाही को लेकर आज तो लोगों ने हद ही पार कर दी। एक और जहां शासन से लेकर प्रशासन तक कोरोना को लेकर आमजन को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं समाज के ही प्रतिष्ठित व जागरूक लोग की लापरवाहियां बरतने पर आमादा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं रीवा में कोरोना की लापरवाहियों की, जिसकी सारी सीमाएं पार कर दी गई हैं। गौरतलब है कि बीते दिवस शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी के परिवार में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने परिवार के 40 लोगों को क्वारंटीन रहने की हिदायत दी थी, लेकिन कोरोना संक्रमित मिलने के बाद भी इस परिवार के लोगों ने प्रशासन की हिदायतों को दरकिनार कर शहर की मुख्य बाजार में बैठकर दुकानों को संचालित कर अपना व्यापार करते नजर आए। बता दें कि जिस व्यापारी के परिवार में कोरोना का संक्रमण मिला, उस परिवार में लोगों की संख्या बहुतायत है और उनके शहर के प्रमुख बाजार में कई अलग अलग बड़े प्रतिष्ठान हैं। व्यापारी के परिवार में कोरोना का केस मिलने के बाद मरीज के संपर्कियों सहित परिवार के सदस्यों की एक बड़ी लिस्ट तैयार कर प्रशासन ने उन्हें घर में ही क्वारंटीन रहने की हिदायत दी, लेकिन प्रशासन के नियमों का अनदेखा करते हुए लोगों ने दुकानों को संचालित कर रखा है। के जो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? मैं अपने रहता हूँ, मैं तो घर गया ही कहूँ, मैं बाहर का सत्रह में जाऊँ। गांव तो पांडे में खोल रहे हैं लोग, जब से देखिए जब तक टाइम किया गया है तो घर रोज खुल रहा है, रोज दुकानें खुल रही। आप सतना में बता रहे हैं अपने आप को? मैं शनिवार सतना में हूँ, लेकिन दुकान तो खुली थी ना भाई? नहीं, दुकान आप सपना में है, वहाँ पूरा परिवार के साथ वहाँ क्वारंटाइन किया, बंद किया गया, कैसे निकला है वहाँ? तो वो क्वारंटाइन है, सांस बहू है ना क्वारंटाइन का, तो आप तो उसी कैंपस में रहते हैं? अलग है, सदस्य है, अलग है सर, मैं उनका सदस्य हूँ, तो मैं घर में नहीं हूँ सर, बाहर हूँ सपना में जाता। नाम भाई, नाम तो दिखाया गया है आपका? नहीं, उसमें लिस्ट में है आपका नाम? मैं फैमिली लिस्ट में नाम लिखाया गया होगा कि फैमिली मेंबर हूँ। कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही इस लापरवाही को लेकर जब मीडिया ने मामले को उजागर किया तो प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, जिसे देखते ही दुकानों के शटर गिरा दिए गए। मामले में एक और जहां प्रशासन लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की बात कर रहा है, तो वहीं सवाल यह उठता है कि आखिर प्रशासन से इतनी बड़ी चूक कैसे और क्यों हुई। गौरतलब है कि ऐसे लोगों की लापरवाही से न सिर्फ वह खुद की जान को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी संक्रमण का न्योता दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन ऐसी लापरवाही पर आखिर क्या कार्रवाई करता है, या फिर इन्हें एक बार फिर समझाइश देकर छोड़ दिया जाएगा। जानकारी आज हम लोगों को प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा आशा ड्रेसेस और कन्हैया ड्रेसेस खोली गई थी। इनके द्वारा बताया जा रहा था कि शहर के बाहर थे, सतना से आए हैं और अनजानता इन्होंने दुकान खोल दी है, परंतु इसकी पूरी जांच करके अग्रिम कार्यवाही इनके ऊपर की जाएगी। हाँ, आशा ड्रेसेस और कन्हैया ड्रेसेस दो इनके प्रतिष्ठान हैं इनके घर के, तो उसी कैंपस में पता चला कि उसी कैंपस में ये भी रहते हैं, परंतु इनके द्वारा बताया जा रहा है कि सतना से आए थे, आज ही आए हैं ये लोग और इन्होंने इनके पास अतिरिक्त चाबी थी उसी के द्वारा खोला है, परंतु इसके अभी हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे और जांच करके अग्रिम कार्यवाही करेंगे। अभी तो इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं कर सकते हम कि बैरिकेड के अंदर थे कैंपस के, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि सतना से आए हैं, सतना में थे। हाँ, दिखा तो यही रहा कि लोग मुझे देखते ही यहाँ से भाग गए दोनों ही दुकानों से। कार्यवाही के दिन मीडिया कैमरे में कैद हुए थे, जो यहाँ के ऑनर है वो कैमरे में कैद हुए थे, अब ये बता रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, उनका ये कहना है कि चलो गलती हो गई हम नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग तथ्यात्मक जानकारी इकट्ठा करके इनके ऊपर अगली अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करेंगे जो भी होगी।